हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवरीडे बाय विजय सर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एलजेब्रा पार्ट टू, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं एलजेब्रा के क्वेश्चन के। तो अगर आपने एलजेब्रा क्वेश्चन को सॉल्व किया कि आपसे नहीं बन रहा है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपसे आसानी मैट्रिक हो जाएगी। ये पार्ट टू है, इसके लिए हम लिंक में पार्ट वन का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप पार्ट वन भी देख सकते हैं। उसका बेसिस से पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए दोस्तों, समझ में भी आएगा। आइए देखते हैं, पार्ट टू देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स पावर डबल नाइन प्लस वन अपान एक्स पावर डबल नाइन इक्वल टू वन दिया हुआ है। एक्स पावर डबल नाइन माइनस वन अपान एक्स पावर 99 या डबल नाइन इक्वल टू, यहाँ पे मान निकालना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। एक्स पावर 99 प्लस वन अपान एक्स पावर 99 बराबर एक, एक्स पावर 99 माइनस वन अपान एक्स पावर 99, इसे सॉल्व करने कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, छोटा सी एक्स पावर 99 दिया हुआ है आपका, करना क्या है आपको। एक्स पावर 99 में करना क्या है, जो आपका एक दिया हुआ है, ये दोस्तों एक नहीं गेरा दिया हुआ था, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स पावर डबल नाइन प्लस वन अपॉन एक्स पावर डबल नाइन बराबर गेरा है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर गेरा का वर्ग कर लेंगे, जो एन दिया हो, जो एन दिया हो एन वर्ग माइनस फोर करना है आपको। ये ट्रिक क्या है, ट्रिक आपके लिए बता दे रहे हैं, ट्रिक आपके लिए एन स्क्वायर माइनस फोर है, ये आपका ट्रिक है। एन आपका ये होता है, एन कितना गेरा का वर्ग हो जाएगा आपका, माइनस फोर कर लीजिए, ये आपका गेरा का वर्ग कर लीजिए और माइनस फोर कर लीजिए, बराबर कितना है, गेरा का वर्ग आपका कितना आ जाए 121 आ गया, और माइनस फोर कर लीजिए। अब आप कितना आ गया, 121 में से चार घटाएंगे 117 आ जाएगा। इसे आप रूट में कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस करने के बाद रूट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा के डबल लाइन वाले क्वेश्चन रूट में ही आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो एन दिया हो एन वर्ग माइनस फोर करना है, फोर सभी में घटाना है, माइनस करना है, और एन व एन क्या दिया आपका, गेरा दिया हो तो गेरा का वर्ग माइनस फोर कर दें, 21 माइनस चार, यहाँ पे रूट कर चढ़ा देना, आपको रूट को चढ़ा देंगे तो रूट करने पर आपका का रूट अंडर रूट 117, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन में जो दिया हो उसे क्लिक करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिए एक्स पावर एन माइनस वन अपान एक्स पावर एन बराबर के, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एक्स पावर एन बराबर इक्वल टू, मान गया था ये आपका दिया हुआ, ये ज्ञात करना है। मैंने ट्रिक आपको क्या बताया था कि एन स्क्वायर माइनस फोर करना है। आइए देखते हैं कैसे, ये आप अंडर रूट में भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप एन स्क्वायर माइनस फोर, ये आप भी ट्रिक लगा सकते हैं, पहले से अंडर रूट लगा लें या कि बाद में लगा लीजिए, ऐसा नहीं है, पहले लगा लें से थोड़ा अंडर रूट में, मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन तो दिक्कत है, प्रॉब्लम आ जाती है, इसके वजह से हम बाद में अंडर रूट लगा लेते हैं, तो ये आपका ट्रिक हो गया। अब एन स्क्वायर आपका क्या दिया, एन का मान आपका के दिया हो तो के का वर्ग कर लेना, माइनस फोर कर लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस फोर, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन दिया है वो सिर्फ क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, कि जो भी हम वीडियो अपडेट करें आप तक जरूर आसानी से पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे। अब देखते हैं, एक्स पावर पाँच माइनस वन अपान एक्स पावर पाँच इक्वल टू सेवन, एक्स पावर फाइव प्लस वन अपान एक्स पावर फाइव इक्वल टू, यहाँ पे मान ज्ञात करना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या, एक्स घाते पाँच दिया हुआ है माइनस एक बटे एक्स घाते पाँच बराबर सात दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या, एक्स पावर पाँच प्लस वन अपान एक्स पावर पाँच की बराबर वैल्यू ज्ञात करना है। हमने आपको ट्रिक क्या बताया था, एन स्क्वायर माइनस फोर, एन का मान क्या आपका सात, सात का स्क्वायर कर दीजिए माइनस फोर कर दिए, सात सता उनचास माइनस फोर यानी कि आपका 45 यानी कि 45, इसे आप अंडर रूट में कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एक्स पावर 136 माइनस वन अपान एक्स पावर 136 इक्वल टू सेवन, एक्स पावर 136 प्लस वन अपान वन एक्स पावर 130 इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन का एक्स घाते 136 माइनस एक्स वन अपान एक्स घाते 136 बराबर सात दिया हो, यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है। आइए देखते हैं तो कैसे ज्ञात करना है। आपको हमने ट्रिक बताया था एन स्क्वायर माइनस फोर कर लेना है, तो एन आपका कितना दिया हुआ, सात दिया हुआ है, सात स्क्वायर माइनस फोर कर लीजिए। यहाँ कितनी भी घात दी हो, घात से कोई मतलब नहीं है, ये आपका मतलब है टोटल एन, जो ये एन दिया होता है इसके वहाँ पे आपका आंसर निकाल सकते हैं। कितनी भी घात दिया हो, दोनों सेम घात होती है, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए आपका एन से मतलब, ये ट्रिक लगाई आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सात का वर्ग 49 होता है, चार घटा दीजिए 45 आ जाएगा आपका अंडर रूट 45, ये आपका आंसर होगा दोस्तों।
45 नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस और प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको अलजेब्रा में बताया जा चुका है माइनस और प्लस प्लस होता है, तो आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो कितना होगा, 49 में 4 कर देंगे तो आपका यहाँ पे 53 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 53 आ जाएगा, 53 आएगा आपका यहाँ पर। वो कैसे, क्योंकि अलजेब्रा में आपको बता चुके हैं, अलजेब्रा में आपको पहले बताया जा चुका है, क्या बता चुका है कि प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस अलजेब्रा में माइनस होता है, माइनस प्लस अलजेब्रा में प्लस होता है, और माइनस माइनस अलजेब्रा में क्या होता है, ये भी प्लस होता है, केवल प्लस प्लस ही माइनस होता है, बाकी सभी प्लस होते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस है तो प्लस होगा। उम्मीद कर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पहले भी क्वेश्चन में आपको के स्क्वायर जो -4 दिया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन वो भी के स्क्वायर प्लस 4 में होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आइए देखते हैं होमवर्क की, आपका एक्स पावर 128 प्लस 1 अपान एक्स पावर 120 इक्वल टू 9, एक्स पावर 128 प्लस 1 अपान एक्स पावर 128 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे 9 दिया है तो एन स्क्वायर माइनस 4 का ट्रिक लगा के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।